आजादी की 75वीं वर्षगांठ को हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रातः 9 बजे महामाया देवी मंदिर रतनपुर में सीआरपीएफ बटालियन भरनी बिलासपुर के डीआईजी मिश्रा के मार्गदर्शन में सीआरपीएफ के 150 जवानों द्वारा मंदिर दर्शन लाभ लेते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें महामाया मंदिर रतनपुर के प्रांगण कल्पेरा तालाब की साफ सफाई की गई। इस एक दिवसीय स्वच्छता अभियान में सभी जवानों ने खूब मेहनत की, तालाब में फैले गंदगी को साफ किया। बताया गया स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम के साथ साथ यहां पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। निशुल्क दवाई वितरण भी किया जा रहा है। कार्यक्रम जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना ही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, जिससे लोग जागरूक होकर अपने आसपास को साफ स्वच्छ रख सके। हमेशा कहीं न कहीं जवानों द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया, जिसकी शुरुआत की गई है। और आज रतनपुर महामाया परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान के साथ लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की मुहिम को जवानों द्वारा निरंतर प्रयास कर सफल बनाया जा रहा है, जिससे हमारा देश प्रदेश गाँव शहर सभी स्वस्थ हों। हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में ये स्वच्छता अभियान के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ लगभग 140 से 150 जवान हैं, जो यहाँ पर महामाया मंदिर के पास के सरोवर हैं, इनमें जो गंदगी फैली हुई थी उनको सबको साफ सफाई करना और इस पूरे परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए जो है हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और इस दौरान हम अपना एक मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है, जिससे कि गांव के लोग और लोग आएंगे, उनकी मेडिकल जांच वगैरह की जाए और उनको दवाइयों का वितरण किया जाए। ये जन जागरूकता का अभियान है एक हमारा, जिसमें लोगों के मन के अंदर में देश के प्रति आज़ादी के प्रति सम्मान सद्भाव बढ़े और लोगों के प्रति शहीदों के प्रति लोगों के। ताहिर अली, रतनपुर, बिलासपुर।